हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं आ गया एक और नए वीडियो पे, जो मतलब एक खास मतलब इम्पोर्टेंट एक वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। मतलब ये एक इशू है ये पबजी बैन होने के बाद। हालांकि ये बैन नहीं हुआ है अभी, मतलब पबजी के ऑफिशियल साइट से ये मतलब एक ये घोषणा कर दी गई है कि वो मतलब पबजी इंडिया में एक अलग ही वर्सन का आएगा। मतलब इंडियन वर्सन जैसे कोरिया में कोरियन वर्सन है, वैसे ही मतलब टेंशन से सब नाते रिश्ते तोड़ कर ये सब इंडिया पे आने वाले हैं। और हालांकि वो सब मतलब अलग बात हुई, जो जिसके लिए मैं ये मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप सभी को बता देता हूँ कि सभी के साथ साथ ये हुआ होगा कि अगर कोई गलती से या कुछ मतलब कोई किसी भी कारण के वजह से अगर कोई अपने मतलब अकाउंट से लॉग आउट हो गया हो, तो उनको मतलब पबजी बैन मतलब जब से प्ले स्टोर से हटा है उसके बाद से उनको मतलब लॉगिन फिर से लॉगिन होने में बहुत ही मतलब परेशानी आ रहा है। एक मैसेज आ रहा है कि मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा, मतलब नेटवर्क को ठीक से चेक करेगा तो इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करेगा। हालांकि उनका मतलब घर पे वाईफाई कनेक्शन 4G कनेक्शन सब मतलब सबके सब मतलब एकदम तूफान की तरह चल रहा है, फिर भी मतलब किसी किसी का लॉगिन नहीं हो रहा। तो ये मेरा भी फेस हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में सब बता देने वाला हूँ। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैं अपने मेन मतलब पबजी की थीम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो ये मतलब लेटेस्ट वर्सन है जो यंगर 2.0 का मतलब अपडेट आया था, तो वो अपडेट भी मैंने करा ली थी। तो अभी चलिए देखते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये देखिए, मैं गया सेटिंग्स पे, तो उधर से लॉग आउट, तो देखिए ओके पर क्लिक किया तो अभी ऐसा था। तो अभी जब लॉग इन विद फेसबुक पे या फिर लॉग इन करते तो ऐसा ही मैसेज आता है। ये देखिए एक और पर कर देता हूँ, ये ऐसा। तो देखिए ऐसा इशू मतलब कुछ कुछ लोगों का आ रहा था, उनमें से मेरा भी एक है, मैं भी एक हूँ। तो हालांकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, लेकिन उतना भी स्लो नहीं कि लॉगिन ना हो पाए। तो मैं अभी आपको बता देना हूँ कि मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा मतलब 4111 4-1 लिखना है। तो पहले एक एप्लीकेशन आएगा, तो उसको मतलब इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ तो होने देते हैं इंस्टॉल। मैं इसको मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये तो इंस्टॉल हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो इंस्टॉल हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, ये कुछ भी मतलब इसमें झंझट नहीं है, सिंपल से इसको आपको ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद ये देखिए कोई भी मतलब ऐसा झंझट की बात नहीं, यहाँ पे डन किया, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, एक्सेप्ट किया। फिर देखिए यहाँ पे कोई झंझट नहीं, इस बटन पे से आपको टैप कर देना है जब तक ये मतलब कनेक्टेड हो जाए या तो एनेबल हो जाए, वो आप जो भी बोले। तो एनेबल करने के बाद इंस्टॉल वीपीएन प्रोफाइल ओके ओके कर देना है। फिर ये देखिए कनेक्टेड हो गया। हाँ तो जो कि कनेक्टेड हो गया, अब आपको मतलब अपने पबजी मोबाइल को फिर से रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद ये देखिए मेरा गेम ऑन हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो देखिए ऑन होने के बाद आपका ये इंटरफेस आता है, तो लॉगिन करते हैं। आपको तो याद ही होगा कि वीपीएन कनेक्टेड होने से पहले मतलब क्या ऑप्शन आता था कि मतलब चेक योर इंटरनेट कनेक्शन और क्या हो, वैसा ही। तो मतलब यहाँ पे वीपीएन कनेक्टेड है ना, मतलब वो जो एप्लीकेशन था वो कनेक्टेड है। तो हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए हाँ वो एप्लीकेशन कनेक्टेड होने के बाद ना लॉगिन होता है कि नहीं। हालांकि इस टाइम में थोड़ा सा लोड लिया, लेकिन इसके लिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था वीडियो को। ये देखिए लोडिंग, पहले क्या आता था वो वाला मतलब इमेज, वो वाला ऑप्शन कि मतलब चेक इंटरनेट कनेक्शन, और अभी लॉगिन हो गया। तो देखा गाइस कितना सिंपल सा ट्रिक है। इस ट्रिक को यूज़ करके आप सभी भी अपने मतलब जो जो भाई बहन है मेरे जो कि मतलब लॉग आउट होने के बाद लॉगिन नहीं हो पा रहे थे, वो सभी इस ट्रिक को यूज़ करके लॉगिन हो जाइए।
चलिए, और इरंगल 2.2 का तो अपडेट आ ही गया है, धमाकेदार होगा अभी तो पबजी, और पबजी अनबैन का भी तो खबर निकलता आ रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टिल देन बाय बाय।